हेलो दोस्तों, हमने जो भक्ति काल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हम निर्गुण शाखा को पढ़ चुके हैं। आज हम सगुण धारा के बारे में पढ़ेंगे। सगुण भक्ति उद्भव और विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति, ये किसकी डेफिनेशन है? रामचंद्र शुक्ल की। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गीता और ब्रह्मसूत्र को। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने वेद किए हैं? 11। किस में? नारद भक्ति सूत्र में। वो 11 वेद आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, क्योंकि ये इतने नहीं पूछे जाएंगे, बस यही पूछा जाएगा कि नारद भक्ति सूत्र में 11 वेद किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद कर्मस्य, सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म का उदय हुआ। कौन कौन से धर्म का उदय हुआ? सात्वत, पंचरात्र और नारायणी। सात्वत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव। ये पूछा जाएगा कि सात्वत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, इन पंचविध ज्ञान व्यंजन को क्या कहते हैं? पंचरात्र धर्म कहते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। सगुण भक्ति कहाँ से शुरू हुई थी? दक्षिण भारत से। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ क्या था? भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति का आधार क्या था? भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। ये इनके वैष्णव भक्ति के संप्रदाय और आचार्य थे, जो वो उनके बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। सरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। और इनका जन्म कब हुआ था? 1016 में, मृत्यु 1127 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? यादव प्रकाश। और इनका दर्शन कौन सा था? वशिष्ठ द्वैतवाद। किनका? रामानुजाचार्य का। जन्म कांचीपुरम। ब्रह्म संप्रदाय का कौन थे प्रवर्तक? मध्वाचार्य। 1199 में इनका जन्म हुआ था। और इनका दर्शन कौन सा था? द्वैतवाद। बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। सनकादि के प्रवर्तक कौन थे? निमार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय के कौन थे? बल्भाचार्य। श्री संप्रदाय किसका था? रामानुजाचार्य का। और इनका दर्शन कौन सा था? वशिष्ठा द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य। और इनका दर्शन कौन सा था? द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। और इनका दर्शन कौन सा था? शुद्ध अद्वैतवाद। किसका था ये? विष्णु स्वामी का। सनकादि के प्रवर्तक कौन थे? निमार्काचार्य। और इनका दर्शन कौन सा था? द्वैत अद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बल्भाचार्य। और इनका दर्शन कौन सा था? शुद्ध अद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक बल्भाचार्य को भी मानते हैं। किस संप्रदाय का? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कई विद्वान किसको मानते हैं? बल्भाचार्य को। लेकिन वैसे कौन है? विष्णु स्वामी। रुद्र कौन रहते थे? विष्णु जी। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो वैष्णव थे उनको क्या कहा जाता था? अलवार। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या कितनी है? 12। अलवारों की संख्या कितनी है? 12। ये देख लीजिए जो आपको देखने हैं तो, लेकिन ये नहीं पूछा जाएंगे, बस यही पूछा जाएगा कि अलवारों की संख्या कितनी है? 12। और इनका प्रांत कौन सा था? केरल। फिर भी आपको देखने तो एक बार देख लीजिए। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन से थे? षटकोप। कौन थे? षटकोप। सातवें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर के पुरुमाल त्रुबोवी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? ये चेरी वंशी राजा ने। अलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथ आचार्य से ने संकलित किया है। किसने संकलित किया है? रघुनाथ आचार्य ने।
रघुनाथ आचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? रंगनाथ मुनि को। इनका जन्म कब हुआ था? 824 ईस्वी में। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। संस्कृत में दार्शनिक ग्रंथ किसने लिखा था? रंगनाथ मुनि ने। और वो कौन सा दर्शन था? न्याय तत्व। नेक्स्ट है, शरी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुज आचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल कर्मानुसार निम्नलिखित है। ये देख लीजिए, कई बार इनको को क्रम वाइज लगाने के लिए आ जाता है। रंगनाथ मुनि, उसके बाद पुंडरी काक्ष, राम मिश्र, यामानुज आचार्य और रामानुज आचार्य। शरी संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुना आचार्य 916 से 1040 ईस्वी ने सिद्धित्रय, आगमन, परामाण, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। शरी संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मारुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। अहिंसावाद और परपतिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। परपतिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। शरणागति किसको कहा जाता है? परपतिवाद को। वैष्णव संप्रदाय में परपति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। वे 6 अंग कौन कौन से हैं? अनुकूलन, अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण और आत्मनिक्षेप तथा कार्पण्यता। ये 6 अंग माने गए हैं। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रय का भाष्य किया है। शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? गोविंद योगी। गोविंद योगी किसका नाम था? शंकराचार्य के गुरु का। शंकराचार्य ने सम्मार्थ संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेव देवो उपासना पर आधारित है। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? सम्मार्थ संप्रदाय। कुछ विद्वान शंकराचार्य को परछन बोध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु कौन थे? गौड़पाद बोध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। नयनारों की संख्या कितनी है? 63। नयनारों की संख्या 63 और अलवारों की संख्या कितनी? 12। दक्षिण के अलवार संतों की भाषा कौन सी थी? तमिल। अलवारों की भाषा कौन सी है? तमिल। अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला कौन थी? गोदा या अंदाल। इनमें अलवारों में क्या थी? एक महिला थी, उसका नाम क्या था? अंदाल। इसको कई बार अंडाल भी कहा जाता है। को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को। सगुणधारा में राम भक्ति शाखा को देखेंगे। अलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। राम भक्ति में प्रथम कवि किसको माना जाता है? षटकोप को। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। सातवें अलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भगत थे। कुलशेखर किसके भगत थे? राम के। और प्रथम कौन थे? षटकोप। शरी संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। शरी संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। विष्णु और लक्ष्मी की उपासना किसमें है? शरी संप्रदाय में। रामानुज आचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैत की स्थापना की है। किसने की है? रामानुज आचार्य ने। जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। अलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए हैं। किसके पीछे? 5 पीढ़ी के पीछे। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को। शरी संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोतादि में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं-15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी कौन हुए हैं? रामानंद हुए हैं। किसमें? 14वीं-15वीं शताब्दी में। हिंदी में राम काव्य में पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समृग सवादीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद। ये किसकी पंक्तियां? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं। रामानंद के गुरु का नाम राघव आनंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राम आनंद का आकाश धर्मा
गुरु कहा है। किसको कहा है? रामानंद को। राघवानंदन ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया? रामानंद ने। रामानंद चौदहवीं सदी में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वैष्णव अमताब्ज और भास्कर, श्री राम अर्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा सरोत और आनंद भाष्य, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। किनके? रामानंद के। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं आरती की, जो हनुमान लला की है। किसकी आरती है? किसने लिखी है इसको? रामानंद ने। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल बरते मही कापे, रोग सोग जाकी सीमा न जापे, आरती की जो हनुमान लला की, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये हैं रामानंद की। काहे जाइए हो दरी लागो रंग, मेरो चंचल मन बायो अपंग, ये पंक्तियां किसकी है? मेरो चंचल मन अपंग, इसे याद रख सकते हैं हम, ये रामानंद की पंक्तियां हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रामावत। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध थे। वैरागी नाम से प्रसिद्ध किस संप्रदाय के लोग थे? रामावत संप्रदाय के। रामानंद करित वैष्णव अवध भास्कर में उनके शिष्य सुरानंद के 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार ये 12 अलग अलग हैं। इनको आप देख सकते हैं, क्योंकि तीनों ने क्या दिया है? अलग अलग शिष्य बताए हैं। इनमें हम रामचंद्र शुक्ल के देख लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद, नर हरियानंद, बाबानंद, पीपा कबीरदास सेन दन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के। ये किसने बताया? रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, पीपा के बारे में तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा तीनों ने ही बताया है। कबीरदास को भी तीनों ने ही बताया है। सेन इसमें सेना और इसमें भी सेन, दन्ना, ये इन दो ने बताया है। तो इनमें कुछ मिलते जुलते ही हैं, एक दो ही अलग होगा। जैसे सुखानंद, सुरसुरानंद इसमें नहीं है। इसमें नर हरियानंद इसमें भी है, बाबानंद, ये कुछ इसमें मिलते जुलते हैं, एक दो ही अलग हैं। जैसे इसमें आसानंद और परमानंद अलग हैं, इसमें भी अनंतानंद है, इसमें भी है, इसमें सुरेश्वरानंद और नरहरियानंद, तो ये एक दो ही अलग हैं ना, तो बाकी सारे सेम ही हैं। कबीरदास, पीपा सेन, ये सब में हैं। रैदास, पद्मावती और सुरसरी, ये भी इसमें भी है रैदास, और इसमें भी पद्मावती भी इसमें है, इसमें है। अनंत आनंद के शिष्य कृष्णदास पयहरी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। कहाँ पर थी रामानंद की गद्दी? ये गलता अजमेर राज्य में। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोतादी कहा जाता है। तोतादी किसे कहा जाता है? गलता को। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने थे। पृथ्वीराज जी किसके शिष्य बने थे? ये पयहारी जी के। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, अगरदास और किल्हादास। ये किसके शिष्य हैं? पयहारी के। किल्हादास ने राम भक्ति में योग अभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। एक तपसी शाखा की स्थापना किसने की थी? किल्हादास ने। किल्हादास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भगतमाल में ये पंक्तियां लिखी हैं। किल्हादास के बारे में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अगरदास ने। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न हैं: बाल कृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम शरण, प्रेम कली,
प्रयागदास, राम गुलाल द्विवेदी और रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह। अगरदास ने अपनी गद्दी जयपुर के राजा रहवास में स्थापित किया था। रसिक संप्रदाय में इन्हें अगर अली भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक देख लेते हैं अगरदास की। हितोपदेश उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी की विषय वस्तु क्या है? रसी को उपासना का सिद्धांत। राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और अष्टयाम या राम अष्टयाम, ये किसकी पुस्तक है? अगरदास जी की। कुंडलिया किसकी है? अगरदास जी की, ये पूछी जा सकती है। अगरदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ इस प्रकार है, महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण और रामायण कथा। ये किसके लिखे पुस्तक है? विष्णुदास के। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा? रामायण कथा। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा कब प्रकाशित हुई थी? 1501 में। भरत मिलाप और अंगद पैच नामक ग्रंथों की रचना की है। अंगद पैच और भरत मिलाप किसने लिखे हैं? ईश्वरदास ने। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। ये इनकी डेट भर दी गई है। 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में मृत्यु। इनके माता पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे और हुलसी। पत्नी थी इनकी रत्नावली। और दीक्षा इन्होंने किससे ली थी? नर हरियानंद से। और शिक्षा गुरु कौन थे इनके? सनातन से, सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। कुछ ने सुकरखेत सोरा जिला एटा किसने माना है? ये माना है लाला सीताराम, गौरी शंकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये किसका पूछा जा सकता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? सुकरखेत जिला एटा सोरो में। राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको सब ने इसको माना है। और राजपुर, राजापुर जिला बांदा किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राजापुर जिला बांदा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को समार्थ वैष्णव मानते हैं। समार्थ वैष्णव कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। किसको? तुलसीदास को। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां इस प्रकार हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लेना। नाभादास, नाभादास ने इनके नाभादास के इनके बारे में कथन क्या है? कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। सीमित, सीमित ने क्या कहा? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? सीमित जी ने। ग्रियसन ने क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ये पंक्तियाँ पूछी गई है, सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ग्रियसन ने। किसको कहा है? तुलसीदास को। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा है? आनंद कांद ने किस चित्तम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम बरमर भूषिता। इसको हम किस कैसे याद रखेंगे? आनंद कानन ने किसने कहा है? मधुसूदन ने। मधु हमें क्या देता है? आनंद। तो इससे हम इसकी पॉइंट से इसको याद रख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समृद्ध जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत वर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने इनको क्या कहा? जातीय कवि। जातीय कवि किसको कहा गया? तुलसीदास को। और किसने कहा? रामविलास शर्मा ने।
अमृतलाल नागर ने क्या कहा है, मानस का हंस। मानस का हंस किसने कहा, अमृतलाल नागर ने। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और वशिष्ठ अद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनकी भक्ति भावना कैसी थी, दास्य भाव की। गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना गया है, 12। इनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। कितने बड़े हैं, 5, और छोटे कितने हैं, 7। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार निम्नलिखित है। वैराग्य संदीपनी पहले नंबर पर कौन सी है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलल्ला नेहचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस और पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवी रामायण, रामायण और कवितावली, ये किसके अनुसार हैं, ये हैं उदय भानु सिंह के अनुसार। तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ कौन कौन सी हैं, वैराग्य संदीपनी, रामलल्ला नेहचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और भैरवी रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। पंचरत्न किसको कहा जाता है, इनकी 5 लघु कृतियों को, किनकी, तुलसीदास की। कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका, गौतम चंद्रिका पुस्तक किसकी है, कृष्ण दत्त की, में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न है, राम गीतावली, राम गीतावली, पदावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, भैरवी, दोहावली और सगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कौन सी है, कवितावली। प्रथम कौन सी मानी है इन्होंने, वैराग्य संदीपनी, और अंतिम किस कौन सी मानी है, कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहु भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलल्ला नेहचु को प्रथम कृति मानते हैं, रामलल्ला नेहचु को। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है, ये जिनमें राम और मंगल आएगा, राम और मंगल आएगा वो किस में है, अवधि भाषा में। ये ट्रिक हम याद रख सकते हैं, इनकी अवधि भाषा की रचना कौन कौन सी है, जिसमें राम और मंगल आएगा वो अवधि भाषा में, बाकी सारी ब्रज भाषा में। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा, रामाज्ञा प्रसन्न अवधि, रामलल्ला नेहचु, रामलल्ला नेहचु भी ठेठ अवधि, और जानकी मंगल अवधि, रामचरितमानस अवधि, पार्वती मंगल अवधि, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा, गीतावली ब्रजभाषा, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, दोहावली ब्रजभाषा, भैरवी रामायण अवधि, कवितावली ब्रजभाषा। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुआ है। इनकी रचना में कुल कितने वर्ष लगे हैं, इसको हम कैसे याद रखेंगे, 27, 26, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। रामाज्ञा प्रसन्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ कौन सा इनका, रामाज्ञा प्रसन्न। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि कली काल का वर्णन स्वामी तुलसीदास ने किस रचना में किया, किस में किया है, रामचरितमानस और कवितावली में। रामचरितमानस और कवितावली में किसका वर्णन किया, कली काल का। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन है। महामारी का वर्णन किस कांड में है, उत्तर कांड में। महामारी का वर्णन किस में है, कवितावली में। तुलसीदास ने अपनी बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हनुमान बाहु में किसका वर्णन है, इसमें बाहु रोग से मुक्ति के लिए वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। मानस में 7 कांड या सोपान हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला कौन सा है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये कई बार लाइन से पूछे जा सकते हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अयोध्या कांड।
अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। रामचरितमानस का हृदय किसे कहा जाता है? अयोध्या कांड को। इस कांड में चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की तरह प्रदान किया है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय है। वेद नीति, लोक नीति और राजनीति का समन्वय किसमें है? अयोध्या कांड में। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वायत्त सुखाय के साथ साथ लोक हित और लोक मंगल के लिए भी की है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। तुलसी ने इसकी कल्पना किसके रूप में किया? मानसरोवर के रूपक के रूप में, जिसमें सात कांड के रूप में 700 पान और 4 वक्ता के रूप में 4 गाठ हैं। सप्त सोपान मानस के चारों कांडों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। इसमें किस किस का वर्णन किया गया है? काकभूषणी और गरुड़ संवाद। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसमें किस कांड का वर्णन नहीं है। इसमें किस किस का है? काकभूषणी, गरुड़ संवाद, उपासना घाट पनघट, इसमें शिव पार्वती संवाद और तुलसी संत संवाद का इसमें वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, इसमें कौन सा ऑप्शन दिया जाएगा? राम सीता संवाद, जो कि इसमें नहीं है। इसमें किस किस का? कालभूषणी और गरुड़ का, शिव पार्वती, तुलसी संत और याज्ञवल्क्य भारद्वाज का। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी की प्राप्त उपाधियां निम्न है। लाला भगवान दीन और बचन ने रूपकों का बादशाह कहा। रूपकों का बादशाह किसने कहा? लाला भगवान दीन और बचन जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? अनुप्रास का बादशाह। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। उदय भानु ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ये तीनों ही डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है रूपकों का बादशाह किसने कहा? बच्चन ने। अनुप्रास का बादशाह ये रामचंद्र शुक्ल, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रस खान को सुनाया था। सबसे पहले किसको सुनाया था? रस खान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। प्रथम टीका किसने लिखी थी? रामचरण दास ने। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिसमें से मुख्य इस प्रकार है। वीरगाथा, काल की छप्पा पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि बाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप कौन कौन से? अवधि और ब्रज की रचना 5 शैलियों में साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी की मिली है। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भगत कवि हैं। इनका जन्म कब माना जाता है? अनुमानत है, ये कंफर्म नहीं है कि कब हुआ था। वैसे अनुमानत कब माना जाता? 1570 ईस्वी के आसपास। नाभादास ने हिंदी में भगत माल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम क्या था? अगरदास। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भगत माल की रचना की है। भगत माल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति का महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नारायण दास किसने बताया है? ग्रियर्सन जी ने। नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भगत माल की रचना की है। भगत माल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा है।
1712 ईस्वी में प्रियादास ने भगतमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवि सवैया शैली में लिखी है। प्रियादास ने भगतमाल की टीका रसबोधनी नाम से लिखी है। नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित दो अष्टयामों की रचना की है जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में लिखी गई है। चंपू शैली में किसने लिखी है? नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना लेकर की है। इनके अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं? अष्टयाम ब्रजभाषा में गद्य में राम और सीता के आठों पहरों का वर्णन है। अष्टयाम अवधि भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भगत माल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां इस प्रकार है। कबीर दास की, कबीर कानी राखी नहीं वरना शरम सट दर्शनी। ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीर कानी राखी नहीं, ये कबीर की पंक्तियां हैं। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है कि अवधपुरी की शोभा जैसी है कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। ये किस में लिखा गया है? अष्टयाम में। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1617 ईस्वी में। केशवदास का उपनाम वेदांती मिसर था, ये निमार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्य आश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का इस प्रकार वर्णन है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, रामचंद्रिका कवि प्रिया रतन भावनी। किसकी है ये? केशवदास की। रसिक प्रिया रामचंद्रिका, रामचंद्रिका कहा जाता है कि केशवदास ने एक दिन में ही पूरी लिखी थी, रामचरितमानस के विरोध में लिखी गई थी। कौन सी? रामचंद्रिका। और इसकी रचना कब कितने दिन में हुई थी? एक ही दिन में। इसको छंदों का जायब घर भी कहा जाता है। किसको? रामचंद्रिका को। वीर सिंह देव रचित विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका और नकसिक छंदमाल, ये किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रसिक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका, नकसिक और छंदमाला, ये किसकी है? केशव दास की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। किस किस ने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नगेंद्र ने। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका परवीन राय को शिक्षा देने के लिए की गई है। रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशवदास बामे दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका को प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। देखिए केशवदास ने कौन सी लिखी? रामचंद्रिका। और गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कौन सी लिखी थी? कृष्ण चंद्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि किसने आलोचना की है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? केशवदास के। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने केशव के बारे में कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनके वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की दाग जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव दास को कोरट का कवि कहा है। कोरट का कवि किसने कहा है? विजय पाल सिंह ने। किसको कहा? केशव दास को। केशवदास कृत रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनगर राघव कादंबरी और नेषद चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों ने केशवदास में रामचंद्रिका के संबंध में लिखा है कि
ये पंक्तियां देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा, केशव दास को, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर किसने कहा, ये पंक्तियां तो काफ़ी पूछी जाती कि कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कहा है और रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर किसने कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। नाबादास ने क्या कहा है, उडगन केशव। सेनापति का जन्म, अब हम सेनापति के बारे में देख लेते हैं। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था, हीरामणि दीक्षित। हीरामणि दीक्षित किसके गुरु थे, सेनापति जी के। सेनापति की रचनाएं द्वारा रचित कितने ग्रंथ है, दो, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। कवित रत्नाकर में किसका वर्णन है, राम कथा का। काव्य कल्पद्रुम इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा कि ये बड़े हिस्सा अर्ध्य कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। इनके इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा था, सलेश। सलेश किसका अलंकार था प्रिय, ये था सेनापति जी का। अन्य राम भगत कवि हैं प्राणचंद चौहान, इनकी रचना कौन सी है, रामायण महानाटक। माधवदास चरण, राम रासो और अध्यात्म रामायण किसकी है, ये माधव चरण की। हृदय राम हनुमन नाटक राय मल पांडे की कौन सी है, हनुमान चरित। नर हरि बार हट किसकी है, पुरुष से रामायण। लाल दास की अवध विलास। कपूर चंद्र त्रिखा किसकी रचना कौन सी है, रामायण। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम राम गीत भी है। राम गीत किसका नाम है, हनुमान नाटक का। पुरुष्य रामायण नर हरि कृत चतुर्वर्षीति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। इसके अभी भी देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया था। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित पद लिखे हैं जो विनय पत्रिका में संकलित है। जाके प्रिय न राम वेदहित तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही इस काम की पॉइंट कैसे याद रखेंगे, परम स्नेही ये किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने मीरा के पत्र के जवाब में, और किस में ये संकलित, विनय पत्रिका में। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बीम्स किस कैसे वैज्ञानिक है, अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा है, बीम्स ने। ये था हमारा राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।